लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो ना खेलते हैं। पर बॉल ही तो गुम हो गया है। बॉल तो वहाँ है। बेटा तुमने कोई सपना देखा क्या? ठहरो मत बेटा। इस मर्डर ने पूरे महाबलेश्वर और पंचगनी को हिला दिया है। पंचगनी की माने के स्टेट से एक 14 साल की लड़की का शव मिला है। लड़की का नाम ईशा लक्ष्मी था। वो पंचगनी के रहिवासी महालक्ष्मी और स्वर्गीय शंकर की बेटी थी। डेड बॉडी एक गोनी में बंधी हुई पाई गई। स्टेट में काम करने वाले लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। आपको बता दें कि पुलिस की एक बड़ी टीम घटना स्थल पर पहुंची हुई है। जैसा कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमारे रिपोर्टर एस शरण घटना स्थल पर पहुंच के हमें जानकारी दे रहे हैं। मेघना, इस समय मैं घटना स्थल के बिल्कुल ही नजदीक खड़ा हूँ, जहाँ से लड़की की बॉडी बरामद हुई थी। मृत ईशा कुमारी अपनी माँ महालक्ष्मी की इकलौती संतान थी, जो इस स्टेट में काम करती थी। इंस्पेक्टर दिलीप जोशी इस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं, हम अभी उनसे बात करते हैं। सर, आपको कोई सुराग मिला है, बता सकते हैं? इस हत्या का कारण क्या हो सकता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम गुनहगार को पकड़ लेंगे। थैंक यू सर। हमें पूरी आशा है कि कुमारी ईशा की मौत की गुत्थी बाकी केसेस की तरह अनसॉल्व न रह जाए। फोरेंसिक सर्जन डॉक्टर सनी बिंद्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से पूरा पंचगनी हैरान है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डॉक्टर सनी इस बारे में क्या कहते हैं। रेप का मामला नहीं है, जेवर चुराने की कोशिश में मुझे लगता है कि ये हत्या की गई है, जो बहुत ही बुरा है। Thank you.
कुमारी ईशा के मर्डर केस में मोहन को पंचगनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर दिलीप जोशी और उनकी टीम मोहन से इस वक्त पूछताछ कर रही है। हमें जो भी लेटेस्ट अपडेट मिलेगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जवाब दो मोहन, ये जुर्म तुमने क्यों किया? सर, पिछले कुछ दिनों से मैं लॉटरी की टिकट खरीद रहा हूँ, पर मेरी लॉटरी है कि लगती नहीं है सर, और उधारी बढ़ती जा रही है सर। क्या ये सब कुछ तुम्हारी बीवी और रिश्तेदारों को पता है? हाँ सर, मेरी बीवी के 3 भाई हैं सर, उनकी वजह से मेरी हालत हुई है सर। तुम्हारा मतलब लॉटरी से? हाँ सर। पानी बाद में पीना, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। सॉरी सर, उसी समय ईशा को बख्शीश में सोने की चेन और बाली मिली थी सर। ओ अच्छा, तो तुमने उसी वक्त सोचा कि तुम उसे हड़प लोगे? मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला। अरे ल ल ल ल ल ल ल ल अरे बस कर वो सेल्फी लेना, और वो चेन और बाली संभाल कर कबाट में रख दे। क्यों माँ, छुट्टियाँ चल रही है, स्कूल भी नहीं जाना, मैंने संभाल कर रखूंगी। ईशा, क्या मस्ती चल रही है वहाँ? अरे आपने मेरे गहने देखे, अच्छे हैं ना? है? क्या गहने? ए लक्ष्मी, मैंने तुमसे पैसे मांगे, तुमने बोला नहीं है तुम्हारे पास है? अब ये गहने खरीदने के कहाँ से आ गए? क्या मैं उधार लेके पैसे दूँ लॉटरी खरीदने के लिए? लॉटरी लॉटरी कर रही है तुम उससे? अगली बार मेरा ही टिकट लगेगा, वो भी बम्पर प्राइस वाला फर्स्ट प्राइस, फिर पैसे मांगने बताना। क्या ख्याली पुलाव पका रहा है। ये क्या किया, मैं डर गई थी ना। अभी तुम्हारी वायलिन की क्लास है क्या? हाँ, अगले हफ्ते वायलिन की प्रतियोगिता है। ईशा, हैं? ईशा, मैं तुमसे कुछ पूछूं क्या? पूछो ना। मुझे 2 दिन के लिए अपनी चेन दोगी क्या? हाँ, मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मजाक नहीं, सच में। देखो, बिल्कुल वैसे ही नकली चेन लेकर आया हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं सोचता कि मैं अपनी चेन दूंगी आपको। अरे ऐसा क्यों कह रही हो ईशा? आवाज की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने कहा ना, 2 दिन के लिए चेन चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? चेन दे, चेन दे, चेन दे, मोबाइल, चेन दे, मुझ, मोबाइल, मोबाइल, फिर डेड बॉडी मानिक के बंगले के पास कैसे मिली? मैंने लाश को उसी रात झाड़ियों में छुपा दिया सर, और गहने मानिक बंगलों के आउट हाउस में सर, और फिर उसी रास्ते में मैं उसे लेकर के जा रहा था सर। पिछले 20 साल से मैंने इसे खिलाया, और इसने ये शांत हो जाओ मानिक, इसे यहाँ से लेके जाओ। मानिक आप आइए, मैं उसे जितने पैसे चाहिए उतने दे देता। ठीक है, छोड़ दो। आपके साथ काम करते समय क्या उसने कोई भी क्रिमिनल हरकत की थी? मेरा मतलब चोरी या फिर वैसा कुछ? ये हमारे साथ हमारे पापा के टाइम से, इसलिए हमें ऐसा कुछ पहले कभी लगा नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर होता है कि रेप की कोशिश नहीं हुई है। मतलब चोरी ही उसका मोटिव था। अच्छा, आप मानिक बंगलों में रहते हैं ना? नहीं, मैं हर शनिवार को आता हूँ हिसाब किताब और तनख्वाह देने। और आपकी फैमिली? मेरा तलाक हो चुका है, हमारी एक बच्ची है, वो अभी अपनी माँ के पास है। सर, सर ये मिस्टर मानिक है, मानिक स्टेट के मालिक। हेलो सर। मुझे पता है, केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? उसने सारी सच्चाई उगल दी है, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। हाँ। सर, तुम वारदात की जगह पे जाओ सर, चुराए हुए गहनों की छानबीन करो। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं सर, वो अटैक भी कर सकते हैं सर, अगर ऐसा हुआ तो।
पुलिस की वर्दी पहन के ऐसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ सर, इन सब चीजों को छोड़ो और अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो, ठीक है? सॉरी सर। अरे इसे बाहर निकालो इसे। अरे मोहन, ये तूने क्या किया? हाँ, क्या किया तूने? तूने मेरी पोती को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। चलो पीछे 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 चलो, पीछे चलो, पीछे चल चल। पता कहाँ रखा है? क्या हुआ? मैं देखता हूँ, जल्दी देखता हूँ। यहाँ था, यही रखा था सर, यही। Yes, sir. राघव ने कहा था कि वो बंगले साफ करने के लिए किसी को बुलाएगा, पता नहीं क्या हुआ। जरूर न्यूज लेने के लिए फोन किया होगा। हेलो रेवती, कैसी हो तुम? आई एम गुड, आप अभी कहाँ हैं? सुनीता और उसकी बेटी एंजल दोनों मानिक बंगलों में शिफ्ट हो रहे हैं, हम वही जा रहे हैं। मानिक का फोन आया था, वो बहुत गुस्से में है। क्यों? एंजल उसी की बेटी है ना, बेटियों का भी तो राइट होता है पिता की जायदाद पर। वो आपके कानूनी दाव पेच से गुस्सा है क्योंकि आपने कोर्ट जाके स्टेट और बंगलो हासिल किया है। उसके गुस्से की वजह कुछ और ही है। वो क्या है? उसे तकलीफ सुनीता को जो राइट्स मिले हैं उससे है, समझी? नहीं, ऐसा नहीं है त्रिम्बक। उसने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की है, अगर उसने तलाक नहीं लिया होता तो वो तो उसकी जान ही ले लेता। ऐसा नहीं है, वो सुनीता से कभी भी अलग नहीं होना चाहता था। देखो तुम्हारा झुकाव अपने भतीजे की तरफ ज्यादा होगा, समझ सकता हूँ। वो सब जाने दो, ये बताओ वहाँ के मर्डर केस का क्या हुआ? तुम उस केस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो ना? केस की सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी। एनीवे, ऑल द बेस्ट त्रिम्बक। ठीक है, थैंक यू, बाय। बाय। देखी ना, देख ली उसकी सच्चाई तुमने। मम्मी छोड़ो ना, बार बार एक ही बात क्यों कर रही हो? नाना जी, ये छत खोल दीजिए ना प्लीज। नहीं, चुप रहो। हाँ। प्लीज मम्मी, प्लीज। मना किया ना? नाना जी, आप मम्मी को समझाइए ना। चुप बैठो वरना दूंगी एक तुम्हें। अरे देखने दो ना, अच्छा लगता है। थैंक यू नाना जी। वेलकम बेटा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्यों डर रही हो? कहाँ साहब? कहाँ पे? बेटा तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। मुझे तो मैंने सच में देखा, असली कोबरा जैसे चिड़ियाघर में था। अच्छा चलो नीचे आओ, बैठो नीचे। हे भगवान, ये तो अपशगुन है। अरे अब तुम भी मत शुरू हो जाओ, तुम लोग का अंधविश्वास ना यही मुसीबत है। सच में देखा। अरे रे देवा, ऐसा लगता है किसी ने गोंद से चिपका रखा है, निकल ही नहीं रहा। मैं हूँ बसंती। मुझे लगा चुड़ैल काला चश्मा पहन के। मेरी आंखों में तकलीफ है ना, लाल हो गई है। अरे देवा, साहब आ गए। साहब, ये पैंट तो नीचे ही चला जाता है। इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लगता है। क्या बताऊँ साहब? क्या साहब? मेरा पोता क्रिकेट खेल रहा था, बॉल से नहीं, मेरे मोबाइल फोन से साहब। बहुत अच्छा। मैं अंदर सफाई कर रहा था, बाहर आ जाओ गुड़िया। भाभी पूछो मत। क्यों, क्या हुआ? वो बसंती ने दगा दे दिया, बुलाए हुए टाइम पे आई ही नहीं, अभी पहुंची है वो। किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते। अरे आप इसे उठा के क्यों खड़ी हैं? आइए ना, आइए। संभाल के जरा। Thank you.
बाप रे, कितना भारी है, जैसे इसमें लोहे की सरिया भरी हो। इसे उठाने के लिए तो कूली बुलाना चाहिए। तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा, आराम की आदत जो है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इन फोटोज की यहाँ जरूरत नहीं है, इन सबको यहाँ से हटा दो। अच्छा, आपको यकीन है कि मानिक भैया अभी यहाँ कभी नहीं आएंगे? तुम्हें विश्वास नहीं हो तो खुद फोन करके पूछ लो। क्या पूछो? वो यहाँ आएगा या नहीं आएगा? उसके लिए तो मेरे पास फोन ही नहीं है। बेवकूफ कहीं के, बोला ना काम करो अपना। चलो ठीक है, मन तो करता है इसे सर के ऊपर रख दूं। ले, ले। हाँ, आया आया। आराम से निकाला, मानिक भैया की फोटो टूटनी नहीं चाहिए। सुनिए, वो हमारी विमला मौसी है ना, उनके रिश्तेदार यहीं पास में ही रहते हैं। उन्हें बुला लेते हैं ना, घर के शुद्धिकरण के लिए अच्छा रहेगा। मानिक भैया आप नीचे उतरिए। हाँ दो ना। हाँ ठीक है दो। मम्मी एंजल कहाँ है? मुझे नहीं पता, यहीं खेल रही होगी। एंजल तुम अंदर देखो, तुम दिखाई नहीं दे रही। एंजल, एंजल बेटा, एंजल, एंजल बेटा। एंजल बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। ये तुम्हें कहां से मिला? मेरे सवाल का जवाब दो, बोलो कहां से मिला तुम्हें ये? बजाना सीखा? नहीं। फिर इसे बजाना कहाँ से सीखा? मैंने कहीं नहीं सीखी, ऐसे ही बजाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, ऐसे ही बाहर मत जाना और कोई भी चीज को छूना मत, समझे? मैं तुम्हारे लिए एक नया सा वायलिन खरीद दूंगी। चलो अब सो जाओ।
एंजल, गॉड, एंजल, मामा, एंजल, अरे, क्या हुआ बेटा? मामा, तुम ठीक तो हो ना? मामा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, डरो मत। In the name of the God, मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि ये जगह छोड़ दो। तुम इस घर से चले जाओ। I command you. You call me evil spirit. तुम वो नहीं हो? No. तो ठीक है। In the name of Lord, the Son and the Holy Spirit, I command you, बुरी आत्मा, तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। क्या कर रहे हो? I command you, evil spirit. You devil. चली जाओ, चली जाओ, जाओ। Oh, oh my God. I am Franco Kupikala, father. कुपीकला? No, कुपीकला। अच्छा। I have a PhD in exorcism. अच्छा तो मैं यहाँ एक retreat center चलाता हूँ। Okay, okay, okay. Extrusion of the evil is primary. That is exorcism. अच्छा अच्छा। हाँ। यहाँ बुरी आत्मा किस में बसी है? कहाँ है वो शख्स? वो तो बच्ची है फादर। भूत नहीं है उसमें। बुरे सपने देखकर डरी हुई है। क्या बच्ची ही? वो तो मुझे क्यों बुलाया? मेरा वक्त क्यों जाया किया? मेरा कोई भी असिस्टेंट ये काम चुटकी में कर देता। मुझे बात पहले बता देनी चाहिए थी ना। आप ही ने तो कहा था ना कि यहाँ आने तक चुप रहूं मैं। मैंने ऐसा कहा था? हाँ, आपने ही कहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैंने बोला होगा। सुनीता, एंजल कहाँ है? बुलाओ उसे। वो बहुत डरी हुई है, बाहर आने को तैयार नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अंदर जाके उससे मिल लेता हूँ। हटो, चलो, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वो ही नहीं, शी है। मैंने उस आत्मा को कहा है, आपकी बेटी को नहीं कहा। सॉरी, मैंने ही गलत समझा। हाँ, मैं समझ गया कि आप नहीं समझे, तो आप पहले दरवाजा खोल दो। हाँ, आपको अंदर से कुछ भी आवाज आए, आप दरवाजा नहीं खोलोगे। आप समझ गए ना? ओके 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 ओके, नाउ ओपन। जीसस, सेव आवर सोल्स। यू स्टैंड हियर ओनली। लाइट चाहिए तो जला दूं? नहीं, भूतों को अंधेरा ही पसंद है। ठीक है। इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कौन हो? बताओ, हु आर यू? तुम यहां क्यों आई हो? होली फादर, क्यों आए हो तुम यहाँ पे? मैं यहाँ से समझा के निकालने के लिए। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं छोड़ दो। आप इतने चौंक क्यों गए? इतनी साल की प्रैक्टिस में मैंने आज तक ऐसी खतरनाक आत्मा नहीं देखी। पोप भी उसे नहीं निकाल सकता, वो बहुत भयंकर है, बहुत शक्तिशाली है। ओह गॉड, यू हैव बिटेन मी फादर, व्हाट इज दिस? फादर ने तुमसे क्या कहा बेटा? फादर ने कुछ मंत्र पढ़े फिर चले गए। आजकल बच्चे फिल्में बहुत देखते हैं। हाँ, इंग्लिश हॉरर मूवीज बहुत देखती है। उसी से बच्चे के दिमाग पे असर पड़ा है। भूतों के ख्याल आते रहते हैं, उससे उनके मन में डर पैदा होता है। कभी कभी तो कुछ चीजें दिखाई भी देने लगती है। इसे हम कहते हैं मन का खेल। और ऊपर से ये अंधविश्वास के भूत इंसान को पछाड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सच है? आप भूत प्रेत मानते हो? बिल्कुल नहीं मानते। पर मैं मानता हूँ। पहले मैं भी नहीं मानता था, पर अपने रिसर्च के दौरान जब एक आदमी से मिला तो मुझे विश्वास होने लगा। उनका नाम है डॉक्टर मुनावर इम्तियाज। वो साइकोलॉजी और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इसी विषय में पीएचडी की है। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है वो।
कुछ 600 से ज्यादा केसेस सुलझाया है उन्होंने, वो भी सिर्फ भारत में। वो एक माध्यम है हमारी और आत्माओं की दुनिया को आपस में जोड़ने का। वो उनकी बातें समझते हैं, मुझे सिर्फ इतना ही पता है जो उन्होंने मुझे इस विषय में बताया है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस आवाज की तरंगों के लेवल को पकड़ पाते हैं। ये एक अलग ही कला है उस चमत्कारी दुनिया को समझने की। हमारी मुलाकात कैसे होगी उनसे? आप चिंता मत करें, मैं उनसे खुद बात करूंगा आपके लिए। नकारात्मक तरंगे अपना हमला शुरू करती हैं, उससे जो असाधारण घटनाएं घटती हैं वो साधारण इंसान को डरा देती हैं। दूसरे किसी व्यक्ति के अनचाहे लक्षणों से हम डर जाते हैं। कई बार हमारा मन उनके काबू में हो जाता है और हमारी दुनिया अपनी अपनी सोच से मनगढ़ंत कहानियां बना लेती है, उसी दुनिया के बारे में जिसमें कुछ ही वास्तविकता होती है लेकिन हम लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं। उस दुनिया के कुछ अपने कानून कायदे भी हैं, लेकिन वो कानून कायदे हम इंसानों से परे हैं। ये आदमी कौन है? DYSP योगेश, ईशा मर्डर केस की तफ्तीश यही कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। मानिक के क्लोज फ्रेंड हैं, उसके हर बुरे काम में इक्वल पार्टनर है। हेलो योगेश। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। रामू ने बताया कि आप हॉस्पिटल गए थे, एंजल की तबीयत ठीक नहीं है क्या? थोड़ा बुखार था, जरा लिया उसे। बेटा आ जाओ, आ जाओ। इसे स्कूल वगैरह में डालने का इरादा है कि नहीं? कुछ सोचा नहीं। हाँ, देखे तो तुम्हें कितना बुखार है। छोड़ो बेटा। योगेश। हाँ? अंदर चलते हैं। हाँ। योगेश सर, ये बंगला खोने की वजह से मानिक बहुत दुखी है क्या? सॉरी सुनीता, पिछले कुछ दिनों से मैं मानिक से संपर्क में नहीं हूँ। हमारी कोई बात नहीं हुई जब से तुम्हारा तलाक हुआ है। इसीलिए आपने उनसे कांटेक्ट छोड़ दिया? हाँ, मैंने उससे बहुत बार समझाया था कि वो तुमसे अलग ना हो। लेकिन जब वो उस मानिक ने नहीं, मैंने फाइल किया था। फिर भी तुम्हारे। ओके ओके, रहने दीजिए, मैंने ऐसे ही पूछा। हाँ तिम्बक सर, मैं ऑफिस जाते जाते रास्ते में ही रुक गया था, अब काफी वक्त हो रहा है, मैं आपसे बाद में आके मिलता हूँ। सर, हाँ? आप मेरी वजह से मानिक से अपनी दोस्ती मत छोड़ देना। लगता है तुम्हारी इस बात का कुछ और ही मतलब है। कोई बात नहीं, मैं इस बचकानी बात को भूल जाऊंगा। मैं भी। अरे यार, बन सके। हेलो योगेश। मानिक, कहाँ हो तुम? सुमारिया रिसोर्ट विद लैला मारिया। मैं आज मानिक बंगलो पे गया था। क्यों, किस लिए? क्या हो रहा है वो जानने के लिए। तुम्हारी एक्स वाइफ मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे वहाँ से भगा देंगे, मुझे थोड़ा वक्त देना। मुझे पुरानी बातों को दोहराने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। त्रंबक, मनोवर, क्या ऐसी जगह से उस लड़के की बॉडी बरामद हुई थी? हाँ। दिस इज दिया, मेरी असिस्टेंट।
सालों से मेरे साथ काम कर रही है। प्लीज। यस। Strong vibration here. क्या हुआ सर? कुछ नहीं। दिया। चलो खेलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें सब बताऊंगी। चलो मेरे साथ। क्या तुम मुझसे मराठी में बात कर सकती हो? नहीं नहीं, सॉरी। चलो ना कहीं दूर चलकर खेलते हैं। चलोगी मेरे साथ? तुम मुझे डराओगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, कभी नहीं। लाइट जलाओ। कौन हो तुम? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता। तुम जो कोई भी हो और जो भी तुम्हारा उद्देश्य है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। दिया सर, फर्स्ट एड दो इसे। She's all right. मानिक से शादी करने की वजह क्या थी जबकि वो विधुर और एक बच्चे का बाप भी था? उसकी बीवी की डेथ के बाद अपनी 7 साल की बच्ची के साथ वो यहाँ रहता था, तब मेरी उससे मुलाकात हुई। मुझे उसके लिए बुरा लगता था। मम्मी और पापा की मर्जी के खिलाफ मैंने उससे शादी की, लेकिन शादी करने के बाद उसकी बेटी अनीता मुझे अपना दुश्मन समझ बैठी, जबकि ऐसा नहीं था। ये अनीता अब कहाँ है? नेल्सन कॉलेज, डिग्री फर्स्ट ईयर, हॉस्टल में रहती है। ओ, और फिर तुम्हारे तलाक की वजह क्या थी? उसके लिए औरत सिर्फ एक शरीर है। शी हैज नो सेंटीमेंट्स, इमोशंस। वो अपने गोल्स हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था, फिर चाहे वो पैसे कमाने हो
या फिर किसी औरत को फंसाना। ऐसी ब्रोकन फैमिली में कुछ न कुछ साइकिक प्रॉब्लम होती है, बट ये वैसे प्रॉब्लम नहीं दिखती। क्या मतलब? हमें पता लगाना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी पर किसी भूत का साया है। लगता तो है ये सच है। इन मरी हुई आत्माओं की ताकत कभी कम नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है किसी इंसान में वो आत्मा प्रवेश करती है जब वो उनकी मौत की जगह पर पहुंच जाते हैं। कुछ में ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो। जो डरते हैं और कमजोर दिल वाले होते हैं उनके साथ होता है, खास करके बच्चे। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। एक गुनहगार इंसान को चीट कर सकता है, लेकिन इस ब्रह्मांड की हर चीज को वो काबू नहीं कर सकता। तो इस बुराई का सफाया करने के लिए प्रकृति अपनी कोशिश जारी रखती है। ये आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये थोड़ा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। एंजल के शरीर से उसे निकलने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, आखिर एंजल एक छोटी बच्ची है। लेकिन एक बात समझना है कि उसने हमें इंडिकेशंस दिए हैं। मतलब अब मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? नहीं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि वो आत्मा चाहती क्या है। तब तक वो हर संभव कोशिश करती रहेगी। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले मैं मानिक से बात जरूर करना चाहूंगा। Girl, now you look here. Don't you dare to walk away. Swag it up now, close to me. Dance with me tonight, my babe. Boy, you're crazy, but you make a good case. And just don't know the pretty face. My man right now is your maze. If you say you want me, I'll stay. Rock esta noche, esta noche. Esta noche, rock esta noche. Rock esta noche. Hey. Maybe they'll say you're so damn hot. I know I'm once again wrong, cause they're not. I'll rock your world, just give me a clue. You gotta be not here, cause I'm talking to ya. Call me crazy, there ain't no worry. Quit playing, boy, there ain't no hurry. Esta noche, move your lovey dovey now. Let the beats come get you crazy. Hey, you already know there's this one life we got. I'm talking about it all, ain't doing any good. Cause words ain't fun, we all know that. So why don't we dance all into the black? Call me crazy, there ain't no worry. Quit playing, boy, there ain't no hurry. Esta noche, move your lovey dovey now. Let the beats come get you now. हेलो, हेलो। हाय मानिक, मैं मनोवर, इम्तियाज मनोवर। मुनावर, 21वीं सदी में हैं हम, हाँ? भूत, प्रेत, आत्मा, मैं इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं तुम्हें कुछ सिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर का साइंस स्टूडेंट इसको मानेगा कि यूनिवर्स में कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इंसान की मौत के बाद वो एनर्जी कहाँ चली जाती है? शायद किसी दूसरे इंसान के शरीर में, या फिर नया जन्म लेती होगी। कुदरत के इस खेल में कुछ भी हो सकता है। अब इस आत्मा की नियति तुम्हारी बच्ची की जान लेने की नहीं लगती, लेकिन उसके जरिए वो कुछ करना चाहती है। हो सकता है वो आत्मा एंजल से अब दूर न हो पाए,
लेकिन किसी और जरिए या फिर उसी के जरिए वो फिर से आ सकती है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? इंटरनेट पे तुम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पता कर सकते हो। जब मुझ जैसे इंसान ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां अप्राकृतिक मौत हुई है, तो वक्त के धोखे में आ जाते हैं। उसी समय हमें उस घटना का एहसास होता है जो वहां घटी थी। ये भी शायद हमें दिखता है कि मौत कैसे हुई थी। मैं इन फालतू बातों में यकीन नहीं करता हूं। अब ये तुम पर है मानिक, बट आई टेल यू वन थिंग, तुम्हारी एक और बेटी है ना? हाँ। थिंक अबाउट हर टू। कॉल किए 2 दिन हो गए थे ना, तो 2 दिन नहीं पापा, 8 दिन पहले कॉल किया था, पैसे चाहिए थे। सॉरी बेटा, कुछ काम में उलझा हुआ था मैं। डोंट वरी, मैं आज ही कुछ कैश तुम्हारे अकाउंट में जमा करा देता हूँ, ठीक है? अब जरूरत नहीं है, चाहिए होंगे तो कॉल करूंगी। ओके बेटा, टेक केयर। ओके पापा। अरे अनीता, तुम्हारी नई रूममेट आ जाने वाली है, न्यू एडमिशन है। थैंक यू सिस्टर, अकेले रहकर वैसे भी मैं बोर हो चुकी हूँ। तुम्हारे क्लास खत्म करने तक वो आ जाएगी। ओके सिस्टर। प्लीज वेट, मैं नहा रही हूँ। I'm Diana Alexander. मैं वही हूँ, तुम्हारी नई रूममेट। किसे ढूंढ रही हो? इतनी देर तक इंतजार करके सिस्टर चली गई। मैंने ही कहा कि वो चली जाए। तुम कहाँ से हो? गोवा, एक टिपिकल क्रिश्चियन गर्ल। और ये है मेरा पेट एम्ब्रोस। इसे यहाँ रख देती हूँ। क्या ये मेरा बेड है? हाँ। अरे सिस्टर के मिस कॉल्स। अब उन्हें कॉल करने की क्या जरूरत है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा बताओ, हॉस्टल के मेस कैसी है? ठीक ठाक है। क्या यहाँ हमारे गोवा की खासियत पोर्क विंडालू मिलता है? यहाँ सब कुछ मिलता है। हमारी सिस्टर सब कुछ मैनेज करती है, इसलिए फ्रेश फूड ही मिलता है। ओ अच्छा, ओह दैट्स वेरी गुड। इस अनीता ने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ है? लेकिन तुम्हारा फोन बंद बता रहा था। अनीता, मैडम, अनीता, मैडम, अनीता, मैडम, क्या हुआ? रूम नंबर 10 में कुछ हुआ है, जाकर देखो जल्दी से, जाकर हाँ, देखो। मैं अकेला जाऊं? अरे पापा देखो ना। हाँ, हाँ, सिस्टर इसे संभालिए। थोड़ा ज्यादा है, 104 एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया है, डॉक्टर भी अभी आते होंगे। ख्वाब कभी कभी सच्चाई से ज्यादा डरावने होते हैं,
वो जब अकेली होती है तो डरावनी कहानियां पढ़ती है, हॉरर स्टोरीज ये सब वगैरह देखती है, सब कॉन्शियस माइंड से ख्वाब के जरिए उसे दिखाई देते हैं। तो फिर उसकी गर्दन पर वो चोट के निशान, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबाकर उसे मार डालना चाहता है और उसे रोकने की कोशिश में हो सकता है उसके खुद के नाखून उसके गले में चुभ गए हों। अच्छा एक बात याद रखिएगा, उसे अकेले मत छोड़ना, उसे एक हफ्ते की छुट्टी दे दो और हो सके तो उसे अपने घर भेज दो। हेलो, गुड इवनिंग सिस्टर, क्या बात है सिस्टर, बताइए प्लीज। वो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराई हुई है, वो हमसे बहकी बहकी बातें कर रही है इस वक्त। मैं अभी गोवा में हूँ एक बिजनेस मीटिंग में, मैं यहाँ से 3 दिन के बाद लौटूंगा, तब तक प्लीज आप उसे संभाल लीजिए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद मैं उसे कहाँ ले जाऊँ, और वो जिद भी कर रही है कि वो हॉस्टल नहीं जाएगी। सिस्टर अगर रचना आंटी वहाँ होती तो वो उसका ख्याल रखती ना, लेकिन वो अभी USA में है। हाँ ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अनीता, आओ बेटी। डैडी। यस। आओ, बैठो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ओके। तुम्हें मालूम है ये कौन है? ये तुम्हारी नई माँ है। आप मेरी मॉम नहीं है। वो मेरी मॉम नहीं है। She's not my mom. तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? हमें लगा तुम चर्च गई हो, तुम्हारा फोन भी बंद था। अरे मम्मी पापा, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए नहीं बताया। कैसा सरप्राइज? अभी बताती हूँ। आओ। आज से तुम इसे अपना ही घर समझना, ठीक है ना? ये अनीता है, 2 दिन से बुखार था, बेचारी हॉस्पिटल में थी। ये मानिक की? पर वो शहर में नहीं है और यहाँ इसका कोई नहीं। बसंती इसे कमरे में ले जाओ। आइए। जाओ, तुम भी उनके साथ जाओ। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? एक माँ के मन में जो चलता है बस वही चल रहा है पापा। इतना तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि एक 7 साल की बच्ची के लिए माँ का प्यार बहुत ज़रूरी होता है। यही सोचकर मैंने मानिक से शादी भी की, लेकिन तुम उस वक्त बहुत छोटी थी इसलिए ये सब समझ नहीं पाई। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ये सब मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए नहीं कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा सोचो कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से अलग कर रही हूं। अब चलो। यहाँ तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। दीदी, मैं आज दीदी के साथ ही सोऊंगी। नहीं आज नहीं बेटा, 2 दिन बाद सो जाना। प्लीज मम्मा। दीदी की तबीयत ठीक नहीं है ना, परेशान कर दोगी तुम उसे। प्लीज। मैंने मना किया ना। गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you.
अनीता, 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 भाभी जल्दी आइए। क्या हुआ? अनीता कहीं दिख नहीं रही है। भाभी, भाभी वहाँ देखिए, चल के आइए, आइए देखिए। क्या हुआ? देखिए। अनीता, अनीता, क्या हुआ? अरे, आंखें खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ था? उठो। क्या हुआ था? कुछ याद नहीं। नींद में चलने की आदत होगी, सोमनाम्बुलिज्म। बहुत सारे लोग नींद में चलते हैं और उस हालत में बहुत सारी चीजें करते हैं जो उन्हें पता नहीं होती, और जगने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मानिक, आओ। मैं अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आया हूँ। किसकी इजाजत से आप लोग अनीता को यहाँ लेके आए? सिस्टर मारिया ने रिक्वेस्ट की थी। ओ, उसने जो भी कहा तुम वैसा ही करोगी क्या? मुझे भी लगा कि उसे माँ के साथ रहना चाहिए। माँ, उसके लिए तुम्हारे पास तो और एक बच्ची है ना, जिसे तुमने कोर्ट के जरिए मुझसे छीना। स्टॉप इट, फिर से पुरानी बातें यहाँ मत शुरू करो। मुझे भी कहानी सुनाने का शौक नहीं है, मैं बस अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाने आया हूँ। तुम उसे लेकर के जाओ, हमें क्या प्रॉब्लम? एक मिनट, उस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है। कायदा कानून मुझे मालूम नहीं, तुम अपने बूढ़े बाप से पूछ लेना। अनीता पर सिर्फ मेरा अकेले का अधिकार है। मैंने सब सुन लिया, मुझे जाना चाहिए। मम्मी, दीदी मत जाओ ना प्लीज। अपने पापा से गुस्सा हो तुम? किस लिए? मैं तुम्हें वहां से ले आया इसलिए। आपको हक है वो करने का। डर गए क्या? क्या क्या हुआ पापा? नहीं कुछ नहीं। मिस्टर मानिक सो लेट? हाँ थोड़ा लेट हो गए। आ जा बेटा। और ये है मार्गरेट। नाइस टू मीट यू अनीता। हनीफ यहाँ अनीता का सामान अंदर रख दो। ठीक है मैम। तुम मुझे मैगी आंटी बुला सकती हो। ओके, तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है? चाइनीज, इटालियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, नॉर्थ कोरिया? बैगन पसंद है। ओहो, वो क्या होता है? मैगी, उसे इसका कमरा दिखा दो। ओ श्योर, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। हाँ, हो सकता आने में लेट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना ख्याल रखना। हाँ आ जाओ।
ये तुम्हारा डर है जो तुम पे हावी हो रहा है। मैंने उस लड़की को रियर व्यू मिरर में क्लियरली देखा योगेश। लड़की को देखा, टायर में से खून बहते देखा। टायर की लाइफ बढ़ाने के लिए कंपनियां टायर में आजकल कुछ लिक्विड मिलाती हैं, और वही तुम्हें खून की तरह दिखाई दिया होगा। लेकिन मैकेनिक को कहीं भी कुछ खून नहीं नजर आया। अरे वो हवा में उड़ जाता है इवापोरेट होकर के। मेरे आसपास कुछ तो अजीबोगरीब हो रहा है यार, पहले एंजल और अब अनिता। मुझे बहुत डर लग रहा है योगेश। दो पटियाला पैग हलक के नीचे उतरेगा, सब डर गायब हो जाएगा। जा ले क्या? The Hail Mary full of grace, the Lord is within. Bless all the humans and his blessings. Stop it! थोड़ा धीरे बोलेंगे तो गॉड को सुनाई नहीं देगा क्या? अपने रूम में जाकर प्रे कीजिए, जाइए। और सुनिए, ये सब लेकर जाइए अपने कमरे में। ओके। ओह जीसस, यू आर अलाइव। उस शैतान को यहाँ घुसने से रोकने के लिए तुमने खुद दरवाजा बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ओह, लगता है उस शैतान ने बत्ती गुल कर दी। चलो यहाँ आराम से बैठ जाती हूँ। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे नहीं मालूम। तुम बैठ के देखो। अच्छा हुआ भागे, मैं जॉब छोड़ के जा रही हूँ। क्या हुआ, बच्चे के साथ झगड़ा किया क्या? नहीं सर, मैं भगवान पर भरोसा करने वाली हूँ। जीसस इज माय सेवियर। लेकिन कल रात तो वो भी मुझे नहीं बचा पाए। ये देख रहे हैं आप, कल रात भूत को देखकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी, तब ये जख्म हुआ था। क्या फालतू की बकवास कर रही हो? बकवास नहीं है ये, बस 10 दिनों की तो बात है, फिर चली जाएगी। वो क्या प्रॉब्लम है प्लीज? बिल्कुल नहीं, यहाँ एक प्रेत आत्मा रहने के लिए आई है। प्रेत आत्मा? हाँ, लगता है मुझे सपना देखकर डर गई। देखो बेटा, मैं इतनी बड़ी हूँ कि मुझे सपना और रियलिटी में फर्क समझ में आता है। मैं बस यहाँ से जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। ओके, गुड बाय, गुड बाय। मिस्टर मानिक, आप भी अपना ख्याल रखना, और तुम भी। सर घर पे है क्या? तुम कौन हो? उनसे कह दीजिए अरुणा उनसे मिलने आई है। पर काम क्या है? वो मुझे अच्छे से जानते हैं, ये कहिएगा कि मोहन की बीवी मिलने आई है। कौन है बेटा? पता नहीं, मैंने तुम्हें एस्टेट में आने को कहा था, तुम यहाँ क्यों आई? साहब मैंने आपको कितनी बार कॉल किया लेकिन आपने उठाया ही नहीं, इसलिए मैं आ गई सर। तुम यहीं रुको, मैं बताता हूँ। ठीक है सर। बेट, वो एस्टेट में काम की तलाश में आई है, उसका हस्बैंड जेल में है ना। तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? सर मैं कल जेल में मोहन से मिलने गई थी सर, उसने आपसे 25 लाख रुपए लेकर मेरे भाई को देने को बोला है सर। पता है तुमने अब तक मुझसे कितने पैसे लिए? 10 लाख की बात हुई थी और तुम पहले ही 12 लाख ले चुकी हो। सर वो जेल में है ना, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मैं जीऊंगी कैसे बताइए। नीचे उतरो। पैसे का क्या करना है बताइए मुझे, उसके बाद ही मैं उतरूंगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं साहब?
चलो निकलो। पहले पैसे की बात कीजिए फिर उतरूंगी। मैंने कहा बाहर निकलो। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वरना। क्या था? अरे ये क्या कर रहे हो? ये तो हमारे मानिक साहब हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? सॉरी सर, इसका दिमाग थोड़ा गर्म है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मेरी बहन अरुणा ने कहा मुझे पैसा दे दो, मैं पैसा लेके निकल जाऊंगा। दे दो ना साहब, आप तो बड़े आदमी हैं। अरे जगन पकड़ो इसे, आराम से आराम से। जगन तुम निकल जाओ, मैं बाद में आता हूँ। अच्छा ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। वो अभी मामूली कैदी है, हर जेल में हमारे लड़के हैं। अगर हमने उसे वहीं खत्म कर दिया तो? नहीं नहीं योगेश, कोई तो है जो हर रास्ता खोलना चाहता है जो हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई मतलब कौन? मुझे नहीं पता। अब मुझे ऐसा लगने लग रहा है कि मुनव्वर की बातों में कुछ तो दम जरूर है। है तू छोड़ दे उसे, अगर वैसा कुछ है तो वो खुद भुगतेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसका पैर फिसल गया था इसलिए गिर पड़ा, मैं भी उसके साथ था, चिंता की कोई बात नहीं। अंदर आओ योगेश। हाँ। तुम बैठो, सुनो, गिव हिम समथिंग। अंकल? हाँ? नहीं है। हेलो मानिक। हाँ सनी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया? मेरे घर पे ठीक 3:30 बजे पहुँचाना। ओह कुछ खास है क्या? नहीं नहीं, शॉप 3:30, ओके? या। साहब आपकी तारीफ। मैं मानिक का दोस्त हूँ। साहब तो नासिक गए हुए हैं। नासिक? हाँ। तुम यही हो बेटा? मैं डॉक्टर सनी कुकरेजा, ओके, सर्जन हूँ। ओह पापा ने बताया था, प्लीज आइए। थैंक यू, बैठ जाइए।
मानिक अचानक कहाँ चला गया? आई थिंक वो सुबह की फ्लाइट से नासिक चले गए। तो फिर उसने मुझे अर्जेंट यहाँ क्यों बुलाया? आप उनसे फोन पर बात कर लीजिए। मैंने फोन किया था, उसका फोन स्विच ऑफ था। हाँ, मानी का कॉल आया था? नहीं, आज कॉल नहीं आया। सुबह कॉल करके उसने मुझे अर्जेंट बुलाया था। उसके घर पहुंचा तो वो नासिक चला गया। मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके योगेश। ओके। पापा ने आपको कॉल किया था, उन्होंने बताया नहीं क्योंकि उनका तो जाने का प्लान था, इसलिए तो इतनी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन है। मेरे सारे कॉल रिकॉर्ड होते हैं, आप कहिए तो आपको सुना दूं। मिला क्या कॉल? नहीं, मिल नहीं रहा है, शायद मैंने गलती से डिलीट कर दिया होगा। एनीवे, अब मैं चलता हूं। हेलो सर, मैं मुरली बोल रहा हूँ। सर, आपने वो जो बॉडी भेजी थी जिसका पोस्टमार्टम करना था, एसपी ऑफिस वाले आज उसकी रिपोर्ट मांग रहे हैं सर, तो आप जल्दी से आ जाइए सर। ओके, मैं वहाँ 30 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके सर। दिनेश, गाड़ी निकालो, ठीक 9:30 बजे क्लब पहुंचना है। ओके ठीक है सर। ठीक है। स्टेज करके बॉडी हैंड ओवर कर देना, मुझे रिपोर्ट इमीडिएट चाहिए। ओके एक्सीडेंट था, इसके साथ जो लड़का था वो आईसीयू में है। आज नहीं हो पाएगा, डॉक्टर साहब नहीं है। डॉक्टर साहब तो निकल गए। डॉक्टर साहब तो निकल गए, चलो मैं भी निकलता हूँ। कोई है
जो एक फॉरेंसिक सर्जन थे, कल रात उनकी मौत हो गई है और उनके शव की पोस्टमार्टम भी की जा रही है। वहाँ के अटेंडेंट सहदेव और बलराम से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस का ऐसा कहना है कि ये मर्डर उन हथियारों से किया गया है जिनका इस्तेमाल पोस्टमार्टम के लिए किया जाता है। पुलिस का दावा है कि इस मर्डर के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें इस केस में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। लगता है तुम बोर होने लगी हो। डॉक्टर सनी कितने बजे घर पर आए थे अपने? I don't know. मैंने टाइम नहीं देखा था। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा बर्ताव कुछ अजीब सा हो रहा है। हाँ, तुम्हें क्या हुआ बेटी? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गलती की है? बता दो। ये तो आपको खुद पता होना चाहिए। आप इस सवालों के जवाब आप खुद दे सकते हैं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज कम। हाय। मुझे इन आंखों में खौफ का साया दिखाई दे रहा है। ये खौफ नहीं है, लेकिन कुछ डाउट्स हैं। मुझे भी उसी का आश्चर्य हो रहा है। फ्यू डाउट्स प्लीज। What about Anita? हालांकि मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। कुछ अजीबोगरीब बर्ताव कर रही है, जैसे कई लोगों का तिरस्कार करती हो। अरे मानिक, वो तो मासूम है। ये तो कोई और शक्ति है जो उसे चला रही है। पहले हमें पता लगाना होगा कि वो शक्ति कौन है। उसका उद्देश्य पता चल जाए तो मैं अनीता की मदद कर सकता हूँ। एक्सोसिज्म यही एक रास्ता बचा है। कोई बात नहीं, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊंगा। ईशा मर्डर केस में आरोपी मोहन को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। सरकारी वकील की दलील खारिज करते हुए कि आरोपी तहकीकात पर असर डाल सकता है, हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी। तूने मेरी बीवी को पैसा देने से मना किया ना? हैं? हैं? तुमने सोचा मैं बाहर नहीं आऊंगा? कितना भी मर्डर कर लो, सजा तो एक ही होती है, इसलिए मैं पहले तुम्हें मारूंगा, समझा?
सुनो बेटी अनीता, जल्दी मेरे घर पर आ जाओ। क्या हुआ? मोहन यहाँ आया था। हाँ फिर? मेरे घर के अंदर वो इस वक्त कैसे घुस पाया ये समझ में नहीं आया। वो मुझे धमकी देके चला गया है। वो चाहता क्या है? पैसा और क्या, उसने और 25 लाख की मांग की है। भाड़ में जाए, हम उसे आज ही उठा लेंगे। मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। नहीं नहीं, फिलहाल मुझे कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। ओके योगेश। बेटी, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ एक क्रिमिनल आकर ऊधम मचाकर चला गया? अब मुझे क्या पता यहाँ जो आ रहा है वो क्रिमिनल है या नहीं। तुम निकलो, मैं बाद में आ जाऊंगा। मानिक, 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 मानिक,
यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। क्या सर? यहाँ किसी शक्ति का संचार हो रहा है, किसी को यहाँ मारा गया है। मेरे ख्याल से मानिक होश हवास में नहीं है। दिया, पता करो कि अनीता कहाँ है। यस सर। मानिक, मानिक, इसे इमरजेंसी, मैं लोकेशन भेजता हूं। तुम्हारी मदद करने आया हूं। रिलैक्स दिया, चलो ढूंढते हैं किसके साथ कौन था।
कौन सा मेथड सर? ओइजा ऑटोमेटिक राइडिंग ओवरटेल पे थी। स्टार्ट विद ओइजा। अच्छे से मार्गदर्शन करना, सही रास्ता दिखाना, सही तरीका बताना। तुम कौन हो? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Princeps gloriosissima celestis militia, Sancte Michele Arcangele, defende nos in preio adversus principes et potestates. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Princeps gloriosissima celestis militia, Sancte Michele Arcangele, defende nos in prelio adversus principe. Isha. माँ की तबीयत सुबह से ठीक नहीं है, कब से बोल रही है डॉक्टर के पास जाए लेकिन मानती नहीं। नए जेवर पहने हैं तुमने? हाँ, देखी ना, वायलिन प्रतियोगिता में मैं जीती ना, इसलिए मिला। उस एकेडमी ने मुझे ये इनाम में दिया है, देखिए अच्छा है ना? बहुत सुंदर। लक्ष्मी, मानिक साहब के पास मेहमान है, तुम आ सकती हो क्या? अरे नहीं रे मोहन, मैं चली जाती हूँ। माँ नहीं बाबा, तू घर पर ही रहना, मेरा बुखार कम हो गया, मैं ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, इस हालत में आप बिल्कुल नहीं जाएंगी, मैं चली जाऊंगी, काम खत्म होने के बाद ही मैं वायलिन बजाऊंगी। अरे चलो ना। सुन मोहन, अगर बहुत देर हो गई तो उसे संभाल कर घर लेकर आना। हाँ, संभाल के ले आऊंगा, चिंता मत करो। कितनी देर लगा दी, पता है वो लोग ऑमलेट मांग रहे हैं कब से? अरे मैं क्या, सुपर फास्ट ट्रेन हूँ। एक बात बता, कौन कौन आया है? मानिक साहब और वो दूसरा पुलिस वाला। अच्छा एक बात बताऊं? हाँ बोलना। पुलिस वाले ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो जो बैठा है ना वही नहीं, है नहीं। मतलब जैसे एक्टर होते हैं ना, अजय देवगन, सलमान खान, जब पुलिस बनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। वो पिक्चर तो मैं बहुत बार देखती हूँ। मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊँ क्या? बताओ ना। तुम्हारी माँ से बोलता हूँ तुम्हारी शादी किसी पुलिस वाले से करा। अरे कहाँ हो, ऑमलेट लेकर आओ ना जल्दी से। जल्दी ऑमलेट बनाओ, लेकर जाता हूँ मैं। आपके लिए और क्या लाऊं साहब? आपको और कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं। क्या चल रहा है, मुझे तुम्हारी नजर कुछ ठीक नहीं लग रही। जंगली अंगूर पक चुका है। हाँ अब उसी का शरबत तो बना रहा हूँ मैं। हाँ मुझे पसंद है, जंगली अंगूर सुंदर है ना। थोड़ा रुको। बहुत सुंदर है ना? बहुत ही सुंदर। चाहिए आपको? कुछ नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हारा वायलिन सुनने चला आया। मुझे वायलिन बहुत पसंद है एक्चुअली, और मुझे तुम भी बहुत पसंद हो ईशा। ईशा
मेरी बात सुनो। हटिए ना साहब। घबराओ मत। छोड़िए साहब। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। छोड़िए मुझे। मैंने चिल्लाओ मत, मैंने क्या कहा? थैंक यू भाई। आओ डाली, आओ आ जाओ। नहीं सर प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा साहब, मत करो। मानिक, मानिक। मोहन, इधर। क्या बात है साहब? जल्दी चलो। अरे साहब क्या हो गया? अरे जल्दी आओ। आता हूँ। क्या हुआ साहब? साहब ईशा, ये क्या किया साहब? ये क्या किया साहब? ये मेरी बहन जैसी थी साहब, मैं इसे बहन की तरह मानता था। ये आपने क्या किया साहब? ये आपने क्या किया? मेरी बहन को मार दिया। बकवास बंद कर। लो पियो। मुझे नहीं चाहिए साहब। पी ले। अब जो योगेश बोलेगा वो ध्यान से सुनो। रात 12 बजे के बाद लाश को गोनी में भर देना और सुसाइड पॉइंट के पास फेंक देना। क्या बात कर रहे साहब? लक्ष्मी का कौन? मैं उससे क्या कहूंगा, क्या कहूंगा? चुप रह। माफी चाहता हूं साहब। बोल कितना पैसा चाहिए तुझे? कहेगा साहब? आप मेरा भी ख्याल रखोगे? ठीक है, जैसा बोलेंगे वैसा करो। चलो साहब। साहब आप मुझे कितना दोगे? हाँ? 2 लाख। हाँ? 2 लाख। 5 लाख चाहिए मुझे। ओके एग्रीड। ओके मान लिया। हाँ? आप कितना दोगे? अब 5 लाख दे रहा ना, और क्या चाहिए? ऐसा नहीं है साहब, एक बैग मुझे तो दे दे दे। ये ले रख। हाँ? और वही कर जो बोला गया है। हाँ? सुनो साहब, उसके जेवर कम से कम 40,000 के होंगे। वो भी तुम रख लेना। ठीक है साहब। एक पत्थर उठा के उसके सर पे मार देना। अगर लाश बरामद हुई तो पता चलना चाहिए कि चोरी के लिए मर्डर हुआ है। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। कुत्ता पीछे लगा, फिर तुम गिर पड़े, फिर तुम होश खो बैठे। मेरा विश्वास करो साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। जो कुछ भी है, फिंगरप्रिंट्स के आधार पे पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, ये तो तय है। अब वो पूरी कहानी बदलनी पड़ेगी। अगर ऐसी कुछ बात हुई तो मैं सच बोल दूंगा,
पुलिस वालों से। और ये सच तुम किसे बताओगे? पुलिस वालों को? हाँ साहब। अगर तूने मुंह खोला ना तो इसी समय तुझे फांसी पे लटका दूंगा, आत्महत्या की एंट्री करके फाइल क्लोज कर दूंगा। फॉर गॉड सेक यार, सुनो जरा ठीक से सोचो। मैंने ठीक से सोचा साहब, मुझे थोड़े और पैसे मिलेंगे क्या? पैसे? हाँ, मारूंगा तुम। वेट वेट लवीश, वेट वेट साहब, ऐसा क्यों करते हो? मोहन, मैं तुम्हें और 2 लाख दूंगा, तुम पुलिस को सरेंडर कर दो। जब तक तुम जेल में रहोगे तुम्हारी फैमिली को मैं सुरक्षित रखूंगा। एक बात पूछूं साहब, 5 लाख 5+5 मनी मैटर ओवर साहब। योगेश प्लीज, ठीक है मंजूर है। इतने पैसे दे के इसकी आदत मत बिगाड़ो तुम। मैं नहीं बिगड़ूंगा साहब। जब पुलिस को सरेंडर करोगे तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना। तुमने योगेश को मारा? हाँ, मैंने ही उसे मारा। यही है वो, यही यही है, यही है। May I come in, sir? Yes. Sir. क्या सारे डिटेल्स इस फाइल में हैं? Yes, sir. उसकी लाश हाईवे के बगल के जंगल में मिली है सर। जैसा हमें पता चला, ईशा के किसी रिश्तेदार ने ही उसे मारा है सर। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी जंगली जानवर ने मारा है। सुबह बॉडी का पोस्टमार्टम करवा देना, मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। यस सर। क्या पुलिस और फॉरेंसिक टीम मानिक के बंगले पे गई थी? यस सर। ठीक है, मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट करो सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मैं मनोवर, इम्तियाज मनोवर। प्लीज बी सीटेड। दिस इज दिया, माय रिसर्च असिस्टेंट। हेलो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। जो भी आपने सुना है वो बिल्कुल सच नहीं होगा सर, है ना? बेस्ड ऑन योर टेलीफोन कॉल, पुलिस की टीम मानिक के बंगले पे पहुंच गई है। ये योगेश जो मारा जा चुका है उसकी बॉडी भी तुमने कहा कि वही है? हाँ सर। तो फिर अक्यूज्ड भी वही होना चाहिए? बिलीव इट और नॉट, मानिक जो कि अस्पताल में है वो योगेश को नहीं मार सकता, और ऊपर से वो दोनों जिगरी दोस्त थे। उसके अस्पताल में भर्ती होने से पहले अगर मर्डर हो सकता है तो फिर भला दोस्ती टूटने में कितना वक्त लगता है? नो सर, मानिक को 8 बजे अस्पताल ले जाया गया और मर्डर हुआ 9 बजे के बाद। सर मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। सर। कौन है आप लोग? मैं अनीता की माँ हूँ। माँ? हाँ। सर, अनीता को कस्टडी में लेने आए हैं। यस यू कैन टेक हर। चलो अनीता, तुमने यह कत्ल कैसे किया? चुप रहोगी तो ये मत समझना कि हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अब बोलो क्या हुआ था वहां पर? तुम्हें क्या लगता है आंख दिखाकर पुलिस को डरा सकती हो तुम? बोलो बोलो।
सर ईशा मर्डर केस से जुड़े सारे लोग मारे जा चुके हैं, अब सिर्फ एक ही बचा है, वो है मानिक। मान लो तुम्हारी आर्ग्यूमेंट की वजह से मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, बट वी नीड कॉन्क्रीट एविडेंस। सर ईशा मानिक को भी मार डालेगी, ऐसे क्रिमिनल को मत छोड़िए जिसे दुनिया नहीं जानती है। अगर ऐसा हुआ तो इस कत्ल की असलियत दुनिया के सामने कभी नहीं आएगी। What? कौन सा हॉस्पिटल? ओके, एक महिला पुलिस साथ रखना, 3 हवलदार सिक्योरिटी के लिए भेज दो। पूछताछ के दौरान अनीता बेहोश हो गई है, शायद वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई, अभी उसे हिल वैली अस्पताल में भर्ती किया गया है। सर अनीता को फौरन वहां से शिफ्ट करवा दीजिए। लेकिन क्यों? सर मानिक उसे अस्पताल में भर्ती है, मुझे जो शक हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो इस हिल स्टेशन का सबसे बेहतरीन अस्पताल है, उसे और कहां ले जाएंगे हम? आप क्या चाहते हैं, शहर से बाहर ले जाऊं? सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, फालतू की बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। ओह माय फुट। सर ट्रस्ट मी, इससे पहले कि वहां कुछ हो मेरा वहां पहुंचना जरूरी है। तो फिर आप जा सकते हैं। देखा सर, ओके सर। गाड़ी लेके जल्दी निकलो, मैं आ जाऊंगा। ओके सर। अरे भाई क्या हुआ? आगे एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी बारिश में कुछ भी हो सकता है। इस समय यहाँ क्या कर रही हो? सर सर क्यों, क्या बात है? सर रास्ता आगे बंद है, मुझे अर्जेंटली हिल वैली हॉस्पिटल पहुंचना है, मेरी मदद कीजिए। स्टार्ट कर रहा हूँ सर। कल ही तो उसकी सर्विसिंग करवाई थी ना? हाँ सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा सर। तो अब क्या करें हम? मैं कोशिश करता हूँ सर फिर से। ओके ओके। ओके सर।
थोड़ी तेज चलाइए प्लीज। I'm sorry, Mr. Munawar. सॉरी कहने से गलती सुधर नहीं जाती। आपके कानून को मानिक की मौत सिर्फ आत्महत्या लगेगी। इंडियन पेनल कोड के अनुसार ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इंटरप्रेट नहीं की जा सकती। इस ब्रह्मांड में ईशा की आत्मा भी आप लोगों को कोई अनहोनी ही लगेगी। एनीवेज, शायद अब आपको एहसास हो गया कि एग्जैक्टली क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ईसीजी ओके? यस सर। आई विल फ्लूइड शुरू करना। ओके, शी इज ओके, शी इज ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर, चलता हूँ। सिस्टर, क्या हुआ बेटा? पापा कहाँ है? ईशा एक जीत है असत्य के ऊपर सत्य की। नास्तिक शायद इसे एक मनगढ़ंत कहानी कहेंगे, लेकिन ईशा एक सच्चाई है जो मैंने देखी थी। गुड बाय। सॉरी, किसे पता, शायद हम फिर से मिलें और हम मिलेंगे।